हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ। क्लास एट्थ है हमारे पास और एक्सरसाइज है 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप सेवन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास हर एक साल सेम रहता है उसमें हमारे पास। जैसे हमारे पास अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज़ है तो दूसरे साल का भी 50 होगा, तीसरे का, चौथे का, इसी तरह से हर एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है देखो, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारे पास है कि मान लिया हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, और अगर हमने उस पर इंटरेस्ट लगाया तो मान लिया एक साल का है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला तो हमने एक साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, मान लिया 50 रुपीज़ आ गया, ठीक है। जब हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो उसमें सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास प्रिंसिपल ये हो जाएगा, ना कि हमारे पास ये रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो वही रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो अमाउंट आ गया एक साल का उस हमारे पास प्रिंसिपल हो जाता है। अब इस पर हमने लगाया तो अब ये पैसे ज़्यादा हो गए तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा। मान लिया इसका आ गया आपके पास 60 रुपीज़ आ गया, ठीक है, तो तीसरे साल का जब हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 1050 प्लस 60 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा तीसरे साल का हमारे पास इंटरेस्ट 1000, ये आ गया हमारे पास से 1110 आ गया। तो अब हमारे पास थर्ड है जो वो इस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या होता है, जो एक साल है, एक साल का अमाउंट आया फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर दूसरे साल का आ गया जो टोटल अमाउंट हो गया उस पर इंटरेस्ट, फिर थर्ड पे, ऐसे हमारे पास होता है। बट सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता था कि हर साल वो एज इट इज़ रहता था, जो प्रिंसिपल हमारे पास स्टार्टिंग में वही प्रिंसिपल रहता है और वही रेट रहती है, सब कुछ वही रहता है, ठीक है। देखो क्या है इसमें, रुपीज़ हैं 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12 fraction 1/2% पर एनुअल कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली है, देखो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल है 10,800, टाइम है हमारे पास 3 ईयर और रेट है हमारे पास 12 fraction 1/2%, 12 × 2 = 24 और 1 × 25/2%। अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला है, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमेशा अमाउंट निकलता है, CI हम बाद में निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + R/100 power T। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 10,800 मल्टीप्लाई 1 + R, R हमारे पास रेट है, रेट हमारे पास कितना है 25/2 और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या था 100 और पावर हमारे पास T, टाइम कितना है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10,800 मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, 8 और प्लस है यहाँ पर तो प्लस कर देंगे इसको, 8 + 1 = 9, तो कितना आ जाएगा 9/8, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 9/8, 9/8, 9/8, 8 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ जाएगा 1350। फिर ये 8 से नहीं होता तो हमने 2 से कर दिया, 2 × 4 = 8, 2 से कर दिया 675। अब 999 और 675 सभी की मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्या आया 4,92,075 डिवाइडेड बाई 8 × 4 = 32, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 15,377.34 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 साल का अमाउंट आया। फिर हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास है 10,800, इसको माइनस कर देंगे आएगा 4,577.34 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, रुपीज़ 18,042 fraction 1/2 years एट 10% पर एनुअल कंपाउंड एनुअली। टाइम भी दे रखा है 2 fraction 2/2 और 10% रेट है और 18,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 18,000, रेट 10%, टाइम है 2 fraction 1/2। जब हमें टाइम फ्रैक्शन में दे रखा है तो जो हमारे पास कंप्लीट टाइम है पहले हम उसके लिए निकालते हैं CI और जो हमारे पास बचा हुआ है फ्रैक्शन में उसके ऊपर लगाते हैं हम SI। जो हमारे पास 2 साल का CI आएगा उसके ऊपर फिर हम क्या निकाल देंगे, 1/2 year का SI निकाल लेंगे। कैसे, देखो पहले अमाउंट निकालेंगे 2 year के लिए क्योंकि कंप्लीट 2 year है हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + R/100 power T,
इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर हमारे पास 10 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल और पावर टी हमारे पास कितना है 2, 10 वन जहाँ 10, 10 प्लस 1 11, 11 बाई 10 आ जाएगा और कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 18,000 मल्टीप्लाई 11 बाई 10 मल्टीप्लाई 11 बाई 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 11 121 और मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा 21,780। ये हमारे पास आया 2 ईयर का अमाउंट है। अब 2 ईयर का जो अमाउंट आया उस पर हम क्या निकाल देंगे, 1/2 ईयर के लिए हम SI निकाल देंगे, इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर्स ऑन किस पर 21,780। अब SI का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। अब P हमारे पास क्या हो गया 21,780 मल्टीप्लाई आर 10 है और टी हमारे पास कितना है 1/2 और डिवाइड में 100 भी है, 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे हम क्या आ जाएगा 2 1 2 2 0 8 9 1089 आ गया। अब ये भी हमारे पास क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1/2 ईयर का, दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 21,780 प्लस 1089 प्लस कर दिया 22,869। अब CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है हमारे पास 22,869 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास है 18,000, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,869। ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल, हमारे पास दे रखा है 62,500, टाइम हमारे पास दे रखा 1/2 ईयर और रेट दे रखी है 8% पर एनुअल कंपाउंड एनुअली। प्रिंसिपल रेट टाइम हमें पता है, अमाउंट निकाल देंगे कितने के लिए 1 ईयर के लिए, तो पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, पी हमारे पास है 62,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाई 100 पावर 1 है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे, फिर हमें इसको कैंसिल करना है इसलिए हमने एज इट इज़ रख लिया 20 से 20 कैंसिल करने के लिए, 100 बन जा 100 प्लस 8 108 और डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 625 मल्टीप्लाई 108 क्या आ जाएगा 67,500। ये हमारे पास आया अमाउंट, ये हमारे पास कितने का अमाउंट है 1 ईयर का, हमारे पास टाइम कितना है 1/2, तो हाफ ईयर के लिए हम SI निकाल देंगे इस पर, इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर्स ऑन 67,500 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 8% हमारे पास रेट है डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जाए 8, 4 और 675 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2,700। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 67,500 प्लस 2700, दोनों को प्लस कर दिया 70,200 आया। अब हमें निकालना क्या है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 7,700। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, रुपीज़ दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8,000, टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर और रेट दे रखा है 9%, उसके बाद हमें क्या दे दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली होता है हमारे पास 6 मंथ के लिए, अभी तक तो हम 1 साल के लिए लेके चल रहे थे जो रेट है और जो भी हमारे पास है, बट अब हमें हाफ ईयरली कर दिया तो ये हमारे पास किसके लिए निकालनी पड़ेगी, ये तो 1 साल के तो हमें हाफ ईयर की निकालनी पड़ेगी, तो इसका हाफ कर देंगे। तो क्या करना है, देखो टाइम का तो हमें क्या करना है, 1 ईयर है, 1 ईयर के अंदर कितने मंथ हो गए 12 मंथ्स हो गए, बट हमें हाफ ईयरली कितने मंथ का होता है 6 मंथ का, तो 12 मंथ में कितने हाफ ईयरली हो गए, 2 हाफ ईयरली हो गए, तो क्या लिखेंगे 2 हाफ ईयरली, रेट हमारे पास 9%, हाफ ईयरली करेंगे तो 9/2% पर हाफ हो गई। क्यों, हमें ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हमें हाफ ईयरली दे रखा है तो रेट का तो हमें हाफ करना है, टाइम का हमें डबल करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, पी हमारे पास 8,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई 100 और पावर हमारे पास कितनी है 2 हाफ ईयरली है तो 2 आ जाएगा, 100 और 2 की 200 हो जाएगा, 200 बन जाए 200 प्लस 9 209/200 मल्टीप्लाई 209/200,
टू ज़ीरो से टू ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी और वन ज़ीरो से वन ज़ीरो कैंसिल, टू से कर देंगे फोर और टू फोर से कर देंगे फोर फाइव जा ट्वेंटी, टू हंड्रेड नाइन कितना आ जाएगा 43,681 डिवाइडेड बाई फाइव, इसको फाइव से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 8,736.20, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 है तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 736.20। नेक्स्ट है हमारे पास रुपीज़ 10,000 फॉर वन ईयर एट 8% पर एनुअल कंपाउंड हाफ ईयरली, रुपीज़ हमारे पास 10,000 दे रखा है एक साल के लिए, अब हमारे पास ईयर कितना है वन ईयर, हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे टू हाफ ईयरली, 8% एनुअल दे रखा है, रेट हमारे पास 8% है, 8 का हाफ कर देंगे 4% हो जाएगा, अमाउंट निकाल देंगे प्रिंसिपल 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट 4 हो गई डिवाइडेड बाय 100 और टाइम हमारे पास 2, 4 से कैंसिल कर देंगे 25 1 जा 25 और 1 26 हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 26 बाय 25 26 बाय 25 इससे कैंसिल कर देंगे 400 फिर इससे कैंसिल कर देंगे 16 सभी की मल्टीप्लाई आएगी 10,816, ये हमारे पास अमाउंट आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 816 हमारे पास से कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनुअल कंपाउंड ईयरली, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 रुपए एक बैंक से लिए और कितने रेट पर 15% पर, वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ टू ईयर्स, दो साल टू ईयर एंड फोर मंथ्स, टू ईयर और फोर मंथ्स के लास्ट में वो बैंक को कितने रुपए पे करेगी, प्रिंसिपल हमारे पास 26,400 है, टाइम हमारे पास टू ईयर फोर मंथ्स है और रेट हमारे पास 15% पर एनुअल है, टू ईयर इसको हम कैसे लिख सकते हैं टू फ्रैक्शन 4/12 क्योंकि 12 मंथ होते हैं हमारे पास, तो टू तो हमारे पास कंप्लीट है और 4/12 हमारे पास फ्रैक्शन है तो टू ईयर का निकाल लेंगे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2 और पी हमारे पास 26,400 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 15 बाई 100 और पावर 2, अब 5 से कर देंगे 5 3 जा और 5 से 20 ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई 21 जा 20 प्लस 3 23 बाई 20 मल्टीप्लाई 23 बाई 22 टाइम्स लिखा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी फिर 2 से कैंसिल कर देंगे 132 फिर 2 से 66 तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 34,914, ये हमारे पास आ गया अमाउंट किसके लिए टू ईयर के लिए, फिर हमारे पास फ्रैक्शन भी है 4/12 तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे इस पर, इंटरेस्ट फॉर फोर मंथ्स, फोर मंथ का इंटरेस्ट निकालने के लिए 4/12 को क्या कर देंगे 1/3 ईयर हो गया कैंसिल होके 1/3 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल हो गया 34,914 मल्टीप्लाई 15% बाई 100 कैंसिल कर देंगे 5/3 जा 15 5 से कर देंगे 20 फिर हमने इसको 2 से कर देंगे 10 आ जाएगा फिर इसको कर देंगे हमारे पास 17,457 और 3 से 3 कैंसिल डिवाइडेड बाय 10 है तो एक डिजिट से आगे पॉइंट हो जाएगा क्या आ जाएगा 1,745.70 टोटल अमाउंट हो जाएगा जो हमारे पास ये अमाउंट आया प्लस हमारे पास हाफ 1/3 ईयर का जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया दोनों को प्लस कर दिया तो ये आएगा 36,659.70 रुपीज़ वो दो साल चार मंथ के बाद उसको वापस पे करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना बोरोज रुपीज़ 12,500 पर एनुअल फॉर 3 ईयर्स एट SI, फेबिना ने 12,500 रुपये पर एनुअल 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दिए एंड राधा बोरोज सेम अमाउंट, राधा ने वही अमाउंट फॉर द सेम टाइम उसी टाइम के लिए 10% पर एनुअल दिए, पर एनुअली दिए उन्होंने कंपाउंड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, हुज पे मोर इंटरेस्ट, दोनों में से किसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, अब देखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, प्रिंसिपल है हमारे पास फेबिना का निकाल रहे सबसे पहले हम 12,500, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है इसका 3 ईयर दे रखा है और रेट आपको दे रखी है इसकी 12%, अब 12% रेट हो गई टाइम हो गया प्रिंसिपल तो SI निकालना है क्योंकि उसने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया तो SI फॉर फेबिना 12P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100 20 से 20 कैंसिल अब सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 4,500 तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट है। फिर दूसरा अमाउंट फॉर राधा, राधा ने कितना अमाउंट दिया 12,500 और रेट कितना
कितना है उसका 10%, टाइम उसका भी कितना है 3 ईयर। ए इज इक्वल टू अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 पावर t, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r हमारे पास 10/100 और पावर हमारे पास t है 3 है, 0 से 0 कैंसिल, 10 वन जा 10 और 1 11, 11/10 आ जाएगा 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर 0 से 2, 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 से कर देंगे 25, 11 × 11 × 11 × 25 ये आ जाएगा 33,275 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,637.50। ये तो हमारे पास क्या आया, अमाउंट आया, हमें निकालना है सी आई फॉर राधा, राधा का सी आई आएगा 16,637.50 माइनस 12,500, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 4,137.50। ये हमारे पास राधा का आया और ये हमारे पास फेबिना का, तो किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, फेबिना का इंटरेस्ट ज़्यादा है, फेबिना पेज मोर, फेबिना को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मोर इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है इसका था हमारे पास 4,500, माइनस कर देंगे राधा का 4,137.50, ये आएगा 362.50 रुपीस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आई बोरोज रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हैड आई बोरोड देयर सम एट 6% पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। उसने क्या किया, 12,000 रुपीज़ जमशेद से लिए और 6% पर 2 ईयर के लिए, फिर उसने उन्हीं को किसी और को दे दिया और क्या दे दिया, 6% पर एनुअली दे दिया, तो उसको कितना अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ा। देखो प्रिंसिपल कितना है 12,000 है, रेट हमारे पास कितना दे रखा है 6% है और टाइम हमारे पास कितना दे रखा था 2 ईयर, फिर उसने किस पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकाल देंगे 12,000 × 6 × 2/100, 20 से 20 कैंसिल, 6 × 2 = 12, 12 = 144 और 0, हेड ही बोरोड देयर सम इज एट 6% पर एनुअली। अब उन्होंने ये बोल दिया कि हेड ही बोरोड, जो उसने मिला देयर सम एट 6% पर एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट हमारे पास कितना आएगा उसका, क्योंकि अमाउंट उसको कैसा है, कंपाउंड है, तो p × 1 + r/100 पावर t माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, ये हमारे पास 12,000 × 1 + 6/100 पावर 2 और माइनस कर दिया प्रिंसिपल, ये एज इट इज़ 50, इसको कैंसिल कर दिया 2 से, 50 बन जा 50 + 3 53/50 × 53/2, 0 से 20 कैंसिल, फिर 5 से हमने कैंसिल कर दिया 24, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आएगा 67,416 / 5 माइनस 12,000, ये आ जाएगा हमारे पास 13,483.20 माइनस 12,000, ये आया 1,483.20, तो उसको कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, ये इंटरेस्ट मिला उसको देना कितना है, ये तो कितना डिफरेंट है, डिफरेंस इन बोथ इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, ये ज़्यादा इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 43.20 रुपीज़ ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेव इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनुअल कंपाउंड एनुअली हाफ ईयरली के लिए है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर, हाफ ईयरली दे रखा है, एक बार 6 मंथ के लिए निकालना है, एक बार 1 ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल 60,000 है, टाइम हमारे पास 6 मंथ है, फर्स्ट में 6 मंथ दे रखा है तो 6 मंथ है, 6 मंथ में कितना हाफ ईयरली होगा, 1 हाफ ईयरली होगा, रेट हमारा 12% है, इसका हाफ कर देंगे 6% हाफ ईयरली, अमाउंट निकालना प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 पावर t, प्रिंसिपल 60,000 × 1 + 6/100 पावर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 = 250, 50 × 50 और 3 53/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कर देंगे 1200 और 53 की मल्टीप्लाई 63,600, ये अमाउंट आ जाएगा कितने टाइम के बाद, 6 मंथ के बाद अमाउंट निकालना था हमें। दूसरा क्या है, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद कितना आएगा, आप टाइम हमारे पास 1 ईयर है, 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे, 2 हाफ ईयरली, अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 60,000 × 1 + रेट हमारे पास 6 है / 100 और पावर हमारे पास 2, क्योंकि 2 हाफ ईयरली है, फिर कैंसिल कर देंगे 2 3 = 6, 2 से 50, 50 + 50 + 3 53/50,
ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, फाइव से कर देंगे हम 120, फिर फाइव से कर दिया 24 पर कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 67,416 आफ्टर वन ईयर वासुदेव वुड गेट अमाउंट, जो एक साल के बाद जो वासुदेव उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 67,416 रुपीज़। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।